एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर, और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यानी कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने प्रयत्नों में, अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एस एस सी सी जी एल 2024। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत करने योग्य कदम से, द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड, केंद्र सरकार का जो फैसला है एक्सटेंड करने का मतलब और ज़्यादा विस्तार करने का, किस चीज़ का? द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम थी ना, उसका कवरेज बढ़ाने की बात की जा रही है, और ज्यादा शायद बीमारियों तक या और ज्यादा उम्र तक उसका कवरेज बढ़ाने की बात की जा रही है। कि कहाँ तक बढ़ाना है? टू सीनियर सिटीजन्स ओवर 70 ईयर्स, यानी कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी ये अब लाभकारी होगा, प्रयोग योग्य होगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो। Provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people. Modicum मतलब कि ये थोड़ा सा free health care coverage 60 million लोगों को थोड़े से राहत की सांस मिलेगी। ठीक है, with out of the pocket expenditure, out of the pocket यानी कि budget से बाहर। तो जो हमारे budget से बाहर expenditure हो जाता है for health care, हमारी health care में, हमारी बीमारियों में, in India among the highest in the world। तो हिंदुस्तान में जो आउट ऑफ बजट हो जाता है चीज़ें, अपनी जेब से बाहर की चली जाती हैं, वो दुनिया में हाईएस्ट हैं। दुनिया में जितने भी देशों में हाईएस्ट हैं, जिनमें ज़्यादा होता है, उनमें हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट है। द डिसीजन इज इंडीड लॉडेबल, तो ये जो डिसीजन आया है ये काफ़ी सराहनीय है। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय है, सराहनीय है। वाई द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 0.5 मिलियन रुपीज पर ईयर, बोल रहे हैं हालांकि जो फैसला है कि फ्री हेल्थ कवरेज दिया जाएगा 0.5 मिलियन रुपीज का पर प्रति साल फॉर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोबल। एक समाज के एक दबके के लिए ये जो डिसीजन है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही नोबल है, लेकिन इट विल in no way fulfill the public health objectives that are much needed for the targeted beneficiaries। लेकिन जो हमारा public health का दायित्व है इस targeted beneficiaries के लिए, यानी कि ये जो 70 साल से ऊपर की senior citizens हैं, उनके लिए जो हम health care provide कराना चाहते हैं, जो उद्देश्य है हमारा, वो fulfill नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारी ही बीमारियाँ covered हों, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर तरीके की fees covered हो। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली और सबसे महत्वपूर्ण, द हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हेल्थ स्कीम दी जा रही है, एश्योरेंस दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है स्कीम के जरिए, वो केवल सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। सेकेंडरी केयर होता है जब आप पहले फर्स्ट दफा आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको किसी स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया, तो जो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे केवल वो फीस इसमें इंक्लूडेड होगी, जो आप पहले फर्स्ट हैंड जो आप डॉक्टर के पास गए वो इसमें कवर्ड नहीं होगा। टर्शरी केयर मतलब कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपकी कोई एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो सिर्फ उन ट्रीटमेंट्स में ही ये कारगर होगा, उन ट्रीटमेंट्स में ही ये लागू होगा। द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज क्रोनिक डिजीज, बोल रहे हैं अब ये क्यों, किसमें शामिल नहीं है, इसके अंदर क्या शामिल नहीं है? आउट पेशेंट केयर, आउट पेशेंट मतलब जो आप फर्स्ट हैंड दिखाने गए, बाहर से आए, आप बाहर से आए, बाहर से मतलब कि अपने घर से गए और आपने दिखाया। सेकेंडरी केयर मतलब कि आप पहले आपने रेफर कराया गए, वहां पे भी आप अपने घर से, या हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज हो गए लेकिन फिर आपने स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो हो गया सेकेंडरी केयर। टर्शरी तो मतलब आप हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं, भर्ती हो रखे हैं। ठीक है, तो आउट पेशेंट केयर मतलब जो फर्स्ट हैंड आप जाते हैं, वहां पे जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर की फीस होती है, डायग्नोसिस होता है, मेडिसिन होती हैं, ये सब इसमें शामिल नहीं है। और ये बहुत ही कंसर्निंग, चिंताजनक बात है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज मतलब वो बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं या काफी लंबी चलती हैं,
हैव इंक्रीज शार्पली इन इंडिया. हिंदुस्तान में ऐसी बीमारियों में बहुत तेजी से उछाल आया है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में. ठीक है, क्यों आया है? हमारे खान पान बिगड़ा है, हमारे खाने पीने की चीजें जो है तरीके वो बिगड़े हैं. पहले महिलाएं वर्किंग नहीं हुआ करती थी, जब अधिकतम महिलाएं, ये पिछले कुछ दशकों में 4-5 दशकों में महिलाएं इतनी अधिक, हर घर से एक महिला जो है वो वर्किंग है. ठीक है, तो पहले महिलाओं की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डाल दी जाती थी कि आपने फैमिली को हेल्दी खाना खिलाना है और हेल्दी आपने उनको सब कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ये उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. अब जब वेमेन ही वर्किंग है, अगर उनके पास टाइम नहीं है, तो कई दफा ऐसा होता है कि बाहर से कंज्यूम कर लिया जाता है. अब ऐसे में ये नहीं कहा जा रहा कि हर महिला ऐसा ही करती है या फिर हर हमेशा ही ऐसा किया जाता है, बट बहुत ज्यादा समय ये होता है कि आप बाहर से खाना खा रहे हैं, या फिर क्योंकि अब इतना ईजी अवेलेबिलिटी है जोमेटो स्विगी जैसे वेबसाइट्स की वजह से, एप्लीकेशंस की वजह से, तो खाना घर पे मंगवा लिया जाता है. ठीक है, कौन बनाने के झंझट करेगा, इतनी मेहनत करेगा, या फिर आज कुछ चीज अवेलेबल नहीं है तो बाहर से मंगवा लो, कोई बात नहीं, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, बाहर से मंगवा लो. तो हमारी अनहेल्दी डाइट्री प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे पास ऐसी बीमारियों का भंडार होता जा रहा है जो क्रोनिक डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं. इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एन अर्ली ऑनसेट ऑफ दीज डिजीजेस वुड मीन दैट पीपल ओवर 70 मे वेरी ऑफन सफर फ्रॉम मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज. तो बोल रहे हैं अब क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है और उसके बाद में अर्ली ऑनसेट, ऑनसेट मतलब आरंभ, इन बीमारियों की शुरुआत हमारे जीवन के बहुत ही शुरुआती दिनों में हो जाती है. आजकल तो टीनेजर्स को भी कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं. आई नो अ पर्सन जो कि अभी सिर्फ 4 साल का बच्चा है, उसको शुगर डायबिटीज की परेशानी है. ठीक है, वो डील कर रहा है डायबिटीज से. तो इस तरीके की परेशानियां बहुत अर्ली एज में बच्चों को स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत शुरुआती दिनों में स्टार्ट हो जाती हैं. और क्योंकि अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अगर मुझे 15 साल की उम्र में ये बीमारी स्टार्ट हो गई है, 13 साल या 15 साल की उम्र में ये बीमारी स्टार्ट हो गई है और मैंने जीना है 70 साल, तो मैं 70 साल इस बीमारी को अपने साथ ढो रहा हूँ, ढो रही हूँ. ठीक है, तो ये क्रोनिक डिजीजेस की जो श्रृंखला है वो बढ़ती जा रही है. मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय द एल्डरली विल, तो ज्यादातर जो हेल्थ केयर का खर्च होता है बुजुर्गों द्वारा, विल देयर फोर बी थ्रू आउट पेशेंट केयर. तो इसलिए उनका ज्यादातर खर्च जो है वो आउट पेशेंट केयर के जरिए होगा, यानी कि जो डॉक्टर के पास गए, वहां पे अपना दवाई वगैरह लिखवाई, उसी के जरिए होगा. यानी कि वो कितना है, 40-80% विच विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कीम, जो कि स्कीम में शामिल नहीं होगा. सेकेंडरी और टर्शरी केयर कहाँ चाहिए बंदे को, जब प्राइमरी से आपकी डॉक्टरों को पता चल, अब इतने तो वो है नहीं डॉक्टर की, उनको पता ही नहीं चलेगा. प्राइमरी डॉक्टर सेकेंडरी डॉक्टर के पास कब भेजता है, जब उसके पकड़ से बीमारी बाहर होती है, उसमें भी फर्स्ट टाइम में नहीं भेज देता वो आपको, उसमें भी पहले वो खुद अपने टेस्ट वगैरह करवाएगा प्राइमरी में. ये अच्छा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, गैस्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सिर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. ठीक है, ईईजी, सीजी, सिटी स्कैन, बाकी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह जो ट्रीटमेंट होते हैं, ये सब टेस्ट वो खुद ही करवाते हैं. उसके बाद में अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो वो आगे भेजते हैं कि यार आपने इस स्पेशलिस्ट को, ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, न्यूरो के स्पेशलिस्ट को दिखा लो, या गायनेक को दिखा लो, या किसी ऐसे को दिखा लो, राइट, तब वो भेजते हैं. तो यानी कि अगर उनका इतना सारा खर्चा प्राइमरी पे पहले ही हो चुका है तो वो तो कवर हो नहीं रहा है स्कीम के अंदर, यानी कि उनका खुद का ही खर्चा ज्यादा होगा. सिंस इट्स लॉन्च इन 2018, अब इस स्कीम का लॉन्च कब हुआ था, आरंभ कब हुआ था, 2018 में, द पेनिट्रेशन ऑफ पीएमजे इन टू स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स हैज बीन लो इन मोस्ट स्टेट्स. तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहुंच. तो इनकी जो पहुंच है छोटे शहरों कस्बों में, ज्यादातर अधिकतम स्टेट्स में, वो बहुत लो है, यानी कि ज्यादातर लोगों तक ये इसकी पहुंच हुई नहीं है. अनलाइक इन मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स, और जो कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे अधिकतम जगहों पे, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके विपरीत, जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर है पब्लिक सेक्टर में, हैज बीन लार्जली नेग्लेक्टेड एंड इज इनएडिक्वेट इल इक्विप्ड टू मीट द डिमांड इन अदर पार्ट्स. यानी कि हम बात करें कि सदर्न स्टेट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर अच्छा है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में उसकी तरह नहीं है, सदर्न स्टेट्स की तरह नहीं है. वहां पे ना तो पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट्स हैं, वहां पे वो
पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रहा, उसको ज्यादातर अधिकतम जो बजट से उनसे बाहर रखा जाता है, तो वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन दी टर्शरी हेल्थ केयर। तो अगर हम एक मजबूत, बहुत ही रोबस्ट यानी कि मजबूत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बना देते हैं, तो इससे टर्शरी हेल्थ केयर के ऊपर लोड जाएगा ही नहीं, स्थिति इतनी खराब होगी नहीं कि टर्शरी हेल्थ केयर तक जाना पड़े। एंड हेंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, और इसीलिए फिर उपचारिक देखभाल की जो जरूरत है, या भर्ती होकर आपको हॉस्पिटल में वहां पे ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, उस चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, उस चीज की जरूरत कम हो जाएगी। अ रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स विल मेक द पीएमजे स्कीम सक्सीड। और अगर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये जो स्कीम चली है, पीएमजे स्कीम चली है, ये अगर सफल हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें टर्शरी हॉस्पिटल्स के ऊपर से लोड कम करना है, यानी कि हमें इस स्थिति तक बीमारी को नहीं पहुंचने देना है, लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी उपचार ही इतना बेहतर मिल जाए या हर तरीके का उपचार उनको मिल जाए कि वो टर्शरी तक केयर तक पहुंचे ही ना। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है। थाईलैंड फोकस्ड एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथेंड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। था अब यहाँ पे एक देश का जिक्र किया गया, थाईलैंड का, बोला कि उन्होंने सारा अपना फोकस और सारे अपने प्रगतिशील जो भी स्ट्रेंथ थी, मजबूती थी, जो भी उनके पास में कैपेबिलिटीज थी, वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर लगा दी। एंड इवन डाइवर्टेड फंड्स अर्मार्क्ड फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और जो भी फंड्स उनके शहरी हॉस्पिटल्स के लिए जोड़े गए थे, रखे गए थे, वो भी उन्होंने रूरल हॉस्पिटल्स बनाने में, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने में उन्होंने लगा दिए सारे फंड्स, जिससे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। अब गांव के एक बंदे को टर्शरी वहीं पे उसी के आसपास में लोकैलिटी में अच्छा ट्रीटमेंट अगर मिल जाएगा, अच्छे डॉक्टर से अच्छी दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो उसको शहर तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका एडिशनल खर्चा होगा ही नहीं। फिर जो हम ये टर्शरी केयर के ऊपर पीएमजे योजना लागू कर रहे हैं, हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इतना मुफ्त इलाज दे रहे हैं, राइट? ये करना ही नहीं पड़ेगा अगर हम प्राइमरी केयर में ही अच्छा इलाज, अच्छा मुफ्त ट्रीटमेंट दे देंगे उनको। तो इन कॉन्ट्रास्ट इन द यूएस, अब इसके विपरीत, यूएस में बैंकिंग प्राइमरली ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स इज व्हाट लेड टू द सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। वहीं जो यूएस की अगर बात करें, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम ये जितनी भी हमारी हेल्थ केयर स्कीम्स है, वो इंश्योरेंस बेस्ड है ना। आपको कोई हल्का सा खरोच भी आई है, आपको थोड़ा सा कुछ भी कंसल्ट करना है, तो आपको वो अपना इंश्योरेंस वहां पे फिल करना पड़ता है, वो उसके इंश्योरेंस से वो क्लेम करते हैं। तो इसकी वजह से वहां पे हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। इंडिया अपेयर्स टू बी गोइंग द यूएस वे। हिंदुस्तान थाईलैंड के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा, हिंदुस्तान यूएस के नक्शे कदम पे चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्रोनी कैपिटलिज्म, पूंजीवादियों को बढ़ोतरी मिल रही है, राइट? दो देयर इज वेनिंग एंथुजियाज्म इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट्स एंड डिलेड पेमेंट। हो रहे हैं, हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एंथुजियाज्म, उसमें जो उत्साह है, वो थोड़ा वेन हो रहा है, यानी कि घट रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट रेट्स जो हैं वो बहुत लो हैं, कम हैं, और पेमेंट्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है। सिंस इट्स लॉन्च टू जब से ये लॉन्च हुआ है, 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर अंडर द पीएमजे स्कीम वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल। 2/3 हिस्सा जितना भी इस पीएमजे स्कीम के तहत खर्च हुआ है, उसका 2/3 हिस्सा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ गया है। इट वॉज 53% इन केस ऑफ सदर्न स्टेट्स, जो कि अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वो 53% है। ठीक है, यानी कि सदर्न स्टेट्स में प्राइवेट सेक्टर की तरफ पैसा कम गया है, बजाय कि एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड इन टर्शरी हेल्थ केयर। अगर हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कमजोर होगा, वहां पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, तो इसका साफ मतलब है कि हमारे टर्शरी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, ओवरलोड आएगा। ठीक है, विच द प्राइवेट प्लेयर्स विल बी वेल पोज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ। और फिर इस चीज के लिए प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो इस चीज का एडवांटेज लेने के लिए एकदम तैयार बैठे होंगे, तत्पर बैठे होंगे।
दिस कैन लीड टू अ फर्दर श्रिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बाय ओवर रिलाइंग ऑन द इंश्योरेंस मोडालिटी। तो बोल रहे हैं ये क्या करेगा, ये आगे श्रिंक कर देगा, श्रिंक करेगा मतलब सिकुड़ देगा, कमजोर कर देगा, किस चीज को, जो सरकार का कमिटमेंट है कि हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं उसको कमजोर करेगा। कैसे करेगा, अगर हम इंश्योरेंस वाले मॉडल के ऊपर, अगर हम इंश्योरेंस वाले मेथड के ऊपर, इंश्योरेंस वाली प्रक्रिया के ऊपर निर्भर रहेंगे, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो हमारा जो ये टारगेट है कि हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। विच इज नाइदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फॉर द नीडी, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर्स के पास में अपर हैंड रहेगा कि वो मनमाने तरीके से एक तो कीमतें वसूलें, ऊपर से कि हमारे सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं है पब्लिक हेल्थ केयर, तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास में उनको जाना पड़ेगा, तो वो मांगी कीमत वसूलेंगे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, उनको इस फिर हम उनको हेल्थ केयर के दरवाजे उनके लिए बंद कर रहे हैं। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म पीएमजे इज अ मेजर दैट इज एसेंशियल बट इज इनकम्प्लीट। बोल रहे हैं अभी का जो भी इसका रूपरेखा है उसके तहत पीएमजे जो है वो जरूरी तो है लेकिन वो अधूरी है, ठीक है, वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम द पैसेज। बोल रहे हैं पैसेज में से पीएमजे योजना के बारे में क्या कहा जा सकता है। द स्कीम फुल्ली कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली ओवर 70 ईयर्स। तो सभी दायरे तो नहीं कवर हो रहे ना, चाहे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, चाहे 70 साल से कम के बुजुर्ग है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर इसमें कवर नहीं आ रहा, ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स लिमिटेड बेनिफिट्स पर्टिकुलरली लैगिंग आउट पेशेंट केयर। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इसमें कुछ सीमाओं तक बेनिफिट्स हैं, सेकेंडरी और टर्शरी केयर को इंक्लूड किया गया है, जिसका मतलब कि जो आउट पेशेंट केयर है, प्राइमरी चिकित्सा है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि इसके बेनिफिट्स लिमिटेड हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द ABPMJ स्कीम इज एड्रेसिंग इन एड्रेसिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द एल्डरली ओवर 70 इज द एब्सेंस ऑफ डैश एब्सेंस ऑफ फर्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। तो हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज तो इसमें शामिल है, क्यूरेटिव केयर कवरेज फैसिलिटीज तो ये भी शामिल है, आउट पेशेंट केयर एंड डायग्नोस्टिक बिल्कुल करेक्ट है, ये इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। द पी एम जे स्कीम इज डिजाइन टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग आउट पेशेंट सर्विस। तो आउट पेशेंट सर्विस इसमें शामिल नहीं है, इनकरेक्ट है। पब्लिक हेल्थ केयर इज वेल डेवलप्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इनकरेक्ट है। द स्कीम्स सक्सेस इज क्लोजली लिंक टू रिड्यूसिंग क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स। बिल्कुल करेक्ट है, उन्हें बोलना कि अगर हम चाहते हैं कि ये स्कीम सफल हो तो हमें टर्शरी हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड कम करना पड़ेगा, विच मीन्स हमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाई इंडियाज करेंट अप्रोच टू हेल्थ केयर इज बीइंग कंपेयर टू दैट ऑफ यूएस। क्यों यूएस के साथ में कंपेयर किया गया, क्योंकि जैसे यूएस में इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर कवरेज स्कीम्स हैं, वैसे ही हिंदुस्तान भी उसी नक्शे कदम पे चलता हुआ अब इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर कवरेज स्कीम्स को ज्यादा प्रेफर दे रहा है, प्रेफर कर रहा है। बोथ कंट्रीज फोकस ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स फॉर हेल्थ केयर कवरेज। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ कंट्रीज हैव एन इफेक्टिव यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज मॉडल, इनकरेक्ट है, ये थाईलैंड की बात की गई थी। इंडियाज हेल्थ सिस्टम रिलायज मोर ऑन पब्लिक हॉस्पिटल्स दैन प्राइवेट वन सिमिलर टू द यूएस, इनकरेक्ट है। यूएस में तो टोटली प्राइवेट हो रखा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। बोथ कंट्रीज हैव सक्सेसफुली स्ट्रेंथन देयर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, इनकरेक्ट है। Which of the following statements is not true according to the passage? Passage के अनुसार इनमें से कौन सी statement जो है वो correct नहीं है? India is over relying on insurance modality in its healthcare system. ये तो correct है। बोलो ना कि हिंदुस्तान इसके ऊपर ज्यादा dependence दिखा रहा है। Private hospitals receive a major portion of the funds under the PMJ scheme. बिल्कुल correct है। 2/3, 1/3,
यानी कि एक तिहाई हिस्सा जा रहा है सरकारी की तरफ, दो तिहाई प्राइवेट की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा ही हुआ ना। वीकेंड प्राइमरी हेल्थ केयर लीड्स टू एन ओवरलोड ऑन टर्शरी केयर, बोल रहे हैं कि जो कमजोर प्राइमरी हेल्थ केयर है वो ओवरलोड कर देता है टर्शरी केयर को, वो ये भी करेक्ट है। इंडियाज हेल्थ केयर इज कंपेरेबल टू थाईलैंड्स इन इट्स फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रूरल हॉस्पिटल्स, इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान का जो हेल्थ केयर है वो थाईलैंड से कंपेरेबल नहीं है, यूएस से कंपेरेबल है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज सेट टू बी द सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया, बोल रहे हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की, उसको चीता, हिंदुस्तान में जो चीता है उनके दूसरा घर कहा जाता है। एंड डैश ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कोनो नेशनल पार्क हैज रिवील्ड, तो उसका एनालिसिस किया होगा, असेसमेंट किया होगा, आकलन किया होगा कि जो कोनो नेशनल पार्क है उसकी कैरिंग कैपेसिटी का जब आकलन किया गया उससे साबित हुआ, पता चला दैट The animal's current habitat in the country has exceeded its carrying capacity. जो ये कोनो नेशनल पार्क जो कि चीता का अभी का हैबिटेट है, अभी का घर है, वहां पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा के चीताज अवेलेबल है, ठीक है। द ओवर अबांडेंस ऑफ चीताज इन द प्रोटेक्टेड एरिया PA ऑल्सो इन मध्य प्रदेश डैश लेड टू 25% लॉस इन बिग कैट्स मेन प्रे बेस द चित्तल, बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, जब ज्यादा मात्रा में अगर चीता अवेलेबल हो गए, ठीक है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज वहां पे, तो देखो जितने आपने कैनाइंस रखे हैं, जितने आपने कार्निवोर्स रखे हैं वहां पे, उसी हिसाब से आपने वहां पे प्रोवाइड कराए होंगे या रिसेटलमेंट करवाया होगा उनके प्रे का, ठीक है। अब उनका प्रे कम है, उनके खाने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा, उनको उनके प्रे में कमी आ जाएगी ना। तो सेम यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में चीता हो गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मेन प्रे बेस है इसका, जो शिकार है, उसमें 25% की कमी आई है, और शिकार क्या है इसका, चित्तल। द एनिमल्स फ्रॉम अफ्रीका एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर नॉट द ओनली डैश इन द नेशनल पार्क, तो ये जो जानवर हमने चीता जो है अफ्रीका से लाया है और उनके बच्चे जो है, ये इकलौते वहां पे कार्निवोर्स नहीं है इस पार्क के अंदर, दूसरे भी कार्निवोर्स यहाँ पे मौजूद हैं। कूनोस लेपर्ड्स कम्पीट विद द चीतास फॉर हर्बीवोर्स, यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं वो भी चीता के साथ में मुकाबले में है, आमने सामने खड़े हैं हर्बीवोर्स यानी कि चित्तल के शिकार के लिए। इन एन ओपन सवाना द अफ्रीकन एनिमल्स कैन डैश द लेपर्ड, अब अगर खुला सवाना का जंगल हो, सवाना मतलब जो घाटियां हैं अफ्रीका में, खुले मैदान है, वहां पे अगर हम इन दोनों का मुकाबला करें तो अफ्रीकन एनिमल कुड बीट द लेपर्ड हो सकता है, कुड ईट द लेपर्ड हो सकता है, डिफीट द लेपर्ड हो सकता है, बट द लेटर सीम्स टू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट्स होम एडवांटेज, लेकिन वो बोलते हैं ना कि होम ग्राउंड पे हमारी टीम को फायदा मिला या होम ग्राउंड पे उनकी टीम को फायदा मिला, ये अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे वो लेपर्ड जो है अपना होम एडवांटेज उठाते हुए इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिलीव दैट ट्रांसलोकेटिंग सरप्लस चीतास टू गांधी सागर कुड रिस्टोर कूनोस इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अगर हम जो अधिक मात्रा में चीतास हो गए हैं कोनो नेशनल पार्क में, उनको वहां से निकाल के गांधी सागर पार्क में ले जाया जाए, तो हम वहां के कूनो नेशनल पार्क के इकोलॉजी को बैलेंस कर सकते हैं। However, two feline predators will continue to compete for prey. Now, in 2 PS, लेकिन अब यहाँ पे दो feline predators का मुकाबला होगा, आमने सामने हो जाएंगे प्रे के लिए, दोनों ही PS में, दोनों ही PS यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे। प्रोजेक्ट चीता विल हैव टू डैश दैट पास्ट मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड एंड ट्रांसलोकेशन इज नॉट बैंडेड, बोल रहे हैं प्रोजेक्ट चीता को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पुरानी मिस्टेक्स दोहराई ना जाए, और ये सोचना पड़ेगा कि इधर से उठा के उधर भेज दिए, उधर से उठा के कहीं और भेज दिए, ये कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। एंड डैश ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब कुछ चीज लागू करना, ठीक है, अचीवमेंट हासिल करना, कुछ आपने उपलब्धि करी है, इम्प्रूवमेंट बेहतरी करी है, असेसमेंट, असेसमेंट मतलब आंकलन करना, तो यहाँ पे उसकी आंकलन किया गया ना, मूल्यांकन किया गया है, तो जो मूल्यांकन किया गया कैरिंग कैपेसिटी का कूनो नेशनल पार्क की, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द ओवर अबांडेंस ऑफ चीतास इन द प्रोटेक्टेड एरिया ऑल्सो इन मध्य प्रदेश डैश लेड टू अ 25% लॉस इन द बिग कैट्स मेन प्रे बेस द चित्तल. तो हैज लेड टू, हैव लेड टू, हैड या हैज बीन लेड टू. तो हैज बीन तो आएगा नहीं, ठीक है. ओवर अबांडेंस की बात की जा रही है, किसकी, चीता की. तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ओवर अबांडेंस. तो क्या आएगा, हैज, ठीक है, सिंगुलर आएगा, हैज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द एनिमल्स फ्रॉम अफ्रीका एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर नॉट ओनली डैश इन द नेशनल पार्क. ओनली प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, एनिमल्स जानवर, क्रिएचर्स जीव जंतु, नेचर्स नेचर्स मतलब जो नेचुरल चीज है कोई, ठीक है, वो. तो ये तीनों यहाँ पे फिट नहीं है कि वो इकलौते जानवर नहीं है. यहाँ पे जानवर तो और भी बहुत सारे होंगे, चित्तल भी तो जानवर है, लेपर्ड भी जानवर है. यहाँ पे प्रिडेटर्स की, शिकारियों की बात की जा रही है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन एन ओपन सवाना द एफ्रिकन एनिमल्स कैन डैश द लेपर्ड्स. लीव, लीव मतलब छोड़ देंगे. ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब पलट देंगे. आउटरन, आउटरन मतलब उससे तेज भाग पाएंगे. और टर्निंग, टर्निंग मतलब घुमाना. तो यहाँ पे वो उनसे तेज भाग सकते हैं. चीता जो है वो बहुत तेज भागते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेकिन यहाँ पे लेपर्ड फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है. प्रोजेक्ट चीता विल हैव टू डैश दैट पास्ट मिस्टेक. इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब बेहतर करना होगा, उनकी पास्ट मिस्टेक को बेहतर करना होगा. इंश्योर सुनिश्चित करना होगा कि जो पास्ट मिस्टेक है वो दोहराई ना जा सके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंश्योर, इंश्योर मतलब बीमा करना, और एनहेंस मतलब वृद्धि करना. ड्यूरिंग द पास्ट 24 ईयर्स द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन हैज इमर्ज एज एन एनकम्पसिंग एंड इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग इंटरेक्शन एंड प्लानिंग बिटवीन द टू साइड्स. कौन सी टू साइड्स, नहीं पता चला. बोल रहे हैं पिछले 24 सालों में द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन जो बना है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है. प्रभावशाली और ऑल एनकम्पसिंग यानी कि जिसमें सभी चीजें शामिल होती हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना बनकर आया है, बातचीत का, इंटरेक्शन का, प्लानिंग का, बिटवीन टू साइड्स. अब दो देशों की बात की जा रही है, ठीक है. अफ्रीका फिगर्स प्रोमिनेंटली इन चाइनास वर्ल्ड व्यू एंड इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी. यानी कि चाइना का जो दुनिया के प्रति नजरिया है और जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं 21वीं सदी में 21वीं सदी को लेकर, उसमें अफ्रीका जो है प्रमुख तौर पे हिस्सेदार है. अफ्रीका जो है वो मुख्य एक केंद्र बिंदु है, ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भार्ट पार्ट प्ले करता है. अनलाइक द प्रीवियस डिकेड अफ्रीकन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मल्टीपल ह्यूज नाउ फाइंड इट इंक्रीजिंगली मोर कंफर्टेबल टू डील विद देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स. तो बोल रहे हैं कि पिछले दशकों के विपरीत अब की जो अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन सबको अब कंफर्टेबल लगता है अपने चाइनीज जो इस वक्त के कंटेम्प्रेरीज हैं उनके साथ में डील करना, उनके साथ में कोई भी बातचीत करना, डिस्कशन करना, वो उनको ईजी लगता है. अफ्रीकन कंट्रीज डिस्पाइट देयर रिजर्वेशंस एंड ग्रीवेंसेस हैव फाउंड इट यूजफुल टू एनहांस देयर प्रॉक्सिमिटी टू चाइना. तो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, बजाय इसके कि भाई उनके जो भी तकलीफें रही, उनकी शिकायतें रही, रिजर्व कंट्रीज रही हैं, इसके बावजूद उन्होंने चाइना को अपने प्रॉक्सिमिटी में शामिल करने में, उनके साथ में कनेक्शन बढ़ाने में हमेशा से इंटरेस्ट दिखाया. वो उनके लिए यूजफुल रहा है, ठीक है. तो ये उनको पता चल चुका है. तो देखो, ये तो बात होगी कि अफ्रीकन कंट्रीज शुरू से रिजर्व रही है, लेकिन अभी हाल के कुछ सालों में यहाँ के जो कंट्रीज के गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने चाइना के साथ में बातचीत करना बेहतर समझा है. तो ये एस के बाद में आर आएगा, क्योंकि आर जो है अनलाइक बता रहा है, अनलाइकनेस बता रहा है पिछली सरकारों के मुकाबले में. तो पिछली सरकारें थी रिजर्व, ठीक है, उनको इतना ज्यादा वो उनको बहुत ज्यादा शिकायतें थी चाइना के साथ में, लेकिन अब की सरकारें वो बदल चुकी हैं. तो एस के बाद में आर आएगा. अब यहाँ पे एस के बाद में आर आ रहा है, यहाँ पे आर पहले एस बाद में आ रहा है, आर पहले एस बाद में आ रहा है, एस के बाद में आ रहा है, ठीक है. अब एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया गया, लेकिन चाइना क्यों इंटरेस्टेड है इसमें पहले वो बताया जाएगा ना. तो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन क्यू,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि क्यों, चाइना का एक ओपिनियन है, वो दुनिया को एक नजर से देख रहा है, दुनिया में उसका कुछ टारगेट है, ठीक है। उस टारगेट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है। और फिर बताते हैं कि पिछले 24 सालों में इस फोरम के जरिए बहुत ज्यादा बातचीत हुई है दोनों ही साइड्स के लिए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है एस पॉइंट, जहाँ पे वो बोलते हैं कि पुरानी जो अफ्रीकन गवर्नमेंट्स थी वो काफी रिग्रेसिव थी, काफी रिजर्व थी, बट अब की जो सरकारें हैं उनको चाइना के साथ में डील करने में ज्यादा शिकायतें नहीं होती, उनको बेनिफिट ही हुआ है। तो ये हो गया फोर। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? क्यू पी एस आर, तो ये तो एस पी क्यू आर है, क्यू पी एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। माई पेरेंट्स वर रेज्ड, अब यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट गिवन है, PQRS में से हमें S2 और ST S3 स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। माई पेरेंट्स वर रेज्ड इन अ विलेज, सो ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस, मेरे माता पिता जो है एक गाँव में पले बड़े हैं, इसलिए अपनी समर वेकेशंस के दौरान, अब ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। अब होता क्या है, अब आपके पेरेंट्स गाँव में रहते थे, आपके दादाजी वगैरह गाँव में ही रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो आप क्या करते हैं जब समर वेकेशंस होते हैं तो आप उनके पास विजिट करते हैं ना, उनके पास आप जाते हैं, वहां पे आप एंजॉय करते हैं अपने समर वेकेशन, वहां पे आप काट कर आते हैं, राइट। नानी घर जाना है, दादी घर जाना है, यही काम करते हैं उस टाइम पे हम लोग, राइट। दैट परसेप्शन डिड नॉट चेंज मच इवन आफ्टर आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, तो ये जो मेरा विचार था, ये जो मेरा धारणा थी, ये जो मेरी सोच थी, वो ज्यादा कुछ बदली नहीं है। हालांकि आज मैं एक जर्नलिस्ट बन चुका हूँ, फिर भी वो मेरे विचार अभी तक बदले नहीं है। तो ये तो हो गया S1 और S4। अब हमें S2 और S3 फाइंड आउट करना है। आई वुड विजिट माई एंसेस्ट्रल विलेज इन द देन अनडिवाइडेड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बोल रहे समर वेकेशन में क्या करता था मैं अपने एंसेस्ट्रल विलेज, अपने पुश्तैनी गांव जाया करता था, और वो जो कि कहाँ था, तिरुनेलवेली, उस टाइम पे जो अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु का, वहां पे जाता था। अब हो सकता है उसके हिस्से हो गए हों, दो टुकड़े हो गए, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हों, राइट। तो पी तो हमारा S2 स्टेटमेंट है, ये हमें पता चल गया। अब हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू और एस आ रहा है, एलिमिनेट हो गया। हु इज द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द यूके बेस्ड न्यूज़पेपर डेली एक्सप्रेस, जो कि असिस्टेंट एडिटर है यूके बेस्ड न्यूज़पेपर का, जो कि डेली एक्सप्रेस में आता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि असिस्टेंट एडिटर है, ठीक है। आगे कोई पर्सन का बताया गया होगा जो कि असिस्टेंट एडिटर है, तो क्यू तो फिट बैठ नहीं रहा, एलिमिनेट कर दो, ये नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा ना, तो ये नहीं आएगा। इन द आईज ऑफ अ स्कूल बॉय फ्रॉम चेन्नई, कारुनगुलम विलेज विद इट्स लश ग्रीन फील्ड्स ऑफ पैडी एंड बनानास, फ्रेश एयर एंड सिंपल फोक वॉज अ पीसफुल रिट्रीट बाय तमेरा बरानी रिवर। बोल रहे हैं कि अगर आप एक स्कूल बॉय की नजर से देखेंगे जो चेन्नई के कारुनगुलम विलेज में था, तो वहां की जो हरी भरी पहाड़ियां, ग्रीन फील्ड, पैडी की, बनानास के पेड़, फ्रेश एयर, सिंपल साधारण से लोग, पीसफुल वहां का माहौल, किसके, तमीरा बारानी नदी के किनारे का, अच्छा लगता था उसको, ठीक है। वी नीड टू कम हेयर एंड टेल द ट्रू पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ न्यू इंडिया ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग, ही टोल्ड ANI कि हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और असली वास्तविक स्टोरीज जो है, पॉजिटिव स्टोरीज जो है हिंदुस्तान के बारे में, वो बतानी पड़ेंगी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, ऐसा उसने ANI को बताया। अब ये किसी दूसरी कहानी की बात हो रही है जहाँ पे कोई व्यक्ति का इंटरव्यू वगैरह चल रहा होगा, तो उसने एक न्यूज रिपोर्ट को बताया कि भाई हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो ये तो रेलिवेंट है नहीं, ऐसे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लिप योर माइंड, दिमाग से निकल गया, भूल गया, ठीक है। मम्मा ने कुछ सामान लेने के लिए बोला, चार पांच चीजें बोली, उसमें से एक चीज आप भूल गए लाना, तो क्या गया, इट स्लिप्ड माय माइंड, तो फॉरगॉट अबाउट समथिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर वॉज अ लार्ज स्नेक फाउंड इन द गार्डन लास्ट इवनिंग, देयर जो होता है ये किसी की बिलोंगिंगनेस को बताता है, देयर पेंसिल या देयर हाउस, यानी कि उनका घर, ये बताता है उनका, ठीक है, बिलोंगिंगनेस बताता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उस जगह पे एक बड़ा सा सांप था, तो उस जगह के लिए यूज किया जाता है TH ER E, ठीक है, देयर। तो
देयर वॉज द लार्जर स्नेक, द लार्जर नहीं आएगा, द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बताता है, लार्जर जो है कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है, इनकरेक्ट है. देयर वॉज द लार्जर स्नेक, अगेन देयर यूज हो गया, इनकरेक्ट हो गया, द लार्जर हो गया, इनकरेक्ट हो गया. देयर वॉज नॉट अ लार्ज स्नेक, तो नॉट तो नहीं था, वो था ना वहां पे सांप, ऐसा तो नहीं वहां पे बड़ा सांप नहीं था. देयर वॉज अ लार्ज स्नेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अच्छा, ये देयर और देयर से सवाल आपके लिए है कि देन, THEN और दैन, इसमें क्या, THAN दैन, इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ कि THEN देन और THAN दैन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इल इक्विप्ड टू हैंडल द इनफ्लक्स ऑफ डैश विजिटर्स ड्यूरिंग द पीक सीजन. तो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अपर्याप्त था कि इतना भारी मात्रा में विजिटर्स अगर आते हैं तो पीक सीजन के दौरान में, तो उनको वो हैंडल कर पाए. अब यहाँ पे विजिटर्स का हमें सिनोनिम बताना है. विजिटर्स को हम टूरिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. सिटीजन, सिटीजन तो हमारे देश के नागरिक हो गए, जिस शहर की आप बात करें वहां के नागरिक हो गए. रेजिडेंट्स भी वहीं के नागरिक को बोला जाता है, नेटिव्स भी वहीं के नागरिक को बोला जाता है. टूरिस्ट कौन हो गए? जो बाहर से आए हैं. अब जैसे कि पंजाब में आप रहते हो मान लो, तो वहां पे जो पंजाबी कम्युनिटीज हैं अधिकतम, जो वहीं पे घर बसा के रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, वो हो गए वहां के रहने वाले, रेजिडेंट्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, नेटिव्स हो गए. लेकिन अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति अमृतसर गोल्डन टेम्पल विजिट करने आता है तो वो क्या है? टूरिस्ट है, विजिटर है, विजिट करने आया विजिटर है, या फिर कहेंगे टूरिस्ट है. सो ऑप्शन सी, टूरिस्ट इज करेक्ट. द प्रिजन इज यूफेमिस्टिकली कॉल्ड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर. अब यूफेमिस्टिकली, यूफेमिस्टिक का शब्द का मतलब क्या होता है? यूफेमिस्टिक का मतलब होता है कि किसी शब्द को वो बुरा ना लगे, बुरा साउंड ना करे, तो उसके लिए आप उसको लो डाउन कर देते हैं, उसके टोन को थोड़ा कम कर देते हैं. जैसे कि आपने बोल आप किसी को बोल रहे हो कि वो पागल है, ठीक है. वो बोलने की बजाय हमने आम तौर पे सुना है पुराने जमाने में, या अभी भी कई लोग, गांव के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि वो थोड़ा सीधा है. दैट मींस वो मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है कोई व्यक्ति, ये बोलने के बजाय हम बोलेंगे कि वो सीधा है या फिर वो भोला है, राइट. उस तो जो जेल थी उसको यूफेमिस्टिकली रिहैबिलिटेशन सेंटर कहा जाता था. अब रिहैबिलिटेशन के यहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है, LL नहीं आता रिहैबिलिटेशन में. क्या होता है? फर्स्ट हम लिखेंगे रिहैब, REHAB, रिहैब, आगे इलिटेशन, ALI, TATION, रिहैबिलिटेशन, ठीक है. REHABILITION, रिहैबिलिशन, तो रिहैबिलिशन नहीं होगा, रिहैबिलिटेशन. हैब नहीं आया, HA नहीं आया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. रिहैबिलिटेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट है. रिमझिम रिसीव्ड अ चिल्ड्रंस वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस ऑन हर 10th बर्थडे. तो एडजेक्टिव जो है, अगर उनको आपने एक सीक्वेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले आएगा क्वालिटी, ठीक है, फिर आएगा कंडीशन, फिर आएगा पर्पस, ओके. तो हम देखते हैं क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? कलरफुल, कलरफुल उसकी क्वालिटी है. कंडीशन, कंडीशन कैसी है? इलस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा विस्तार से बताई गई है. पर्पस बच्चों की है, बच्चों के लिए है. तो रिमझिम रिसीव्ड अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस, ठीक है. अ कलरफुल, वेरी, वेरी तो पहले आएगा ना, अ वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल इनकरेक्ट है. अ वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल, अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्लीज टेक मैनी एज यू वॉन्ट. अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी काउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल क्वांटिटी नहीं है, तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, तो मैनी की बजाय क्या आएगा? एज मच, ठीक है. तो टू मच एज यू वॉन्ट, मच ऑफ एज यू वॉन्ट, एज मच एज यू वॉन्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. डैश इज अ रेड कलर्ड रूट वेजिटेबल. बीट की बात कही जा रही है, बीट रूट होता है ना. अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बीट बोले जा रहे हैं. ये है बीट जो धुन होता है, तरंगे बीट, ठीक है, कि इस गाने की बीट्स बड़ी मस्त हैं, इस गाने की बीट्स बड़ी किसकी वाइब देती है, डिस्को वाइब देती है. बीड, बीड मतलब मोती मन के जो होते हैं, ठीक है, बीड जो बीड्स मालाएं बनाई जाती हैं उनसे. बीट,
चुकंदर वाला बीच और बिट मतलब थोड़ा सा, सो यहाँ पे ऑप्शन सी बीट इज करेक्ट। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है बड़ा ही सुस्त सा, ढीला ढाला सा, थका हुआ, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होएगा, इंटेलिजेंट, बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है, बड़ा ही ज्ञानी बंदा है, बुद्धिमान है। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। एक्टिव, चुस्त है, वो जितना मर्जी काम कर ले वो एक्टिव ही रहता है, यानी कि वो चुस्त है, यानी कि वो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। क्यूट, क्यूट मतलब बड़ा प्यारा सा, सो ऑप्शन सी एक्टिव इज करेक्ट। आई होप यू हैव एंजॉइंग योर सेल्फ एट द पार्टी टू नाइट। पार्टी आज रात को होनी है, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म बता रहा है और पार्टी अभी तक हुई नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और होप जो है वो भी बता रहा है कि आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ, तो मतलब वो समय भी आया नहीं है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आई होप यू इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, ठीक है, तुम इंजॉय करोगे, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा आई होप यू इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर एंजॉइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया, विल बी इंजॉय, विल बी के साथ में इंजॉइंग आएगा, इंजॉय नहीं आएगा, इंजॉयज योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो प्लूरल है, तो एस नहीं आएगा, इंजॉय योर सेल्फ आएगा, ठीक है। बोथ क्रिमिनल्स वर क्रूअल एंड डैश, तो क्रूअल है थे मतलब बड़े ही क्रूर थे, बड़े ही दुष्ट थे, राइट। तो साथ में दूसरा वर्ड भी नेगेटिव भी होगा, वॉर्म, वॉर्म मतलब गर्म जोशी वाले थे, बड़े ही हेल्प फ्रेंडली थे, सिंपथेटिक सहानुभूति वाले थे, डिलिजेंट जो बहुत सावधानी पूर्वक काम करते थे, ऐसा तो नहीं है, ये सारे तो पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गए, पॉजिटिव वर्ब्स हो गए, ठीक है। हमें क्या लिखना है, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब कि बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही जानलेवा थे, बहुत ही मर्सीलेस थे, सो ऑप्शन ए ब्रूटल इज करेक्ट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, किसी को ये साबित करना कि ये भी इस क्राइम में लिप्त था, तो सिनोनिम क्या हो गया, फर्स्ट है कंप्लेन, कंप्लेन तो मतलब होता है शिकायत करना। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना। कंफ्यूज मतलब कि उलझना, और एक्यूज मतलब आरोप लगाना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लायबल, प्लायबल का हमें सिनोनिम बताना है, प्लायबल का मतलब होता है लचीला, तो फर्स्ट है सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ही गंभीर कठोर। प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभावता। रिजिड कठोर। मेलायबल, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है लचीला, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी है या थोड़ी बहुत याद है, तो हम जो मटेरियल्स होते थे उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी कंडक्टिविटी, ये सब चीजें टेस्ट करते थे या पढ़ते थे इनके बारे में, कि किस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, किस मटेरियल कहता कितना ब्रिटल है, कितना मैलेबल है ना, ये सब चीजें चेक करते थे। तो मैलेबल मतलब कि लचीला। द फायर फाइटर समन ऑल हर डैश कॉवर्डाइस एंड रश्ड इन टू द बर्निंग बिल्डिंग। कॉवर्डाइस का एंटोनिम बताना है, तो जो फायर फाइटर था उसने अपनी सारी जो कायरता थी उसको एकत्रित किया, उसको समन किया, एकत्रित करा। तो कायरता को समन करेगा तब तो बिल्डिंग में नहीं जा पाएगा, उसने अपना करेज को एकत्रित किया होगा, सारा करेज उसने अपना सारा जोश एकत्रित करा, और फिर वो बिल्डिंग में जलती हुई बिल्डिंग में चला गया। तो एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज मतलब सारा जो भी उसके पास में विशेषज्ञता थी, जो भी उसकी नॉलेज थी, उसको उसने समन करा। स्किल्स, स्किल्स अगेन उसका जो कौशल था। करेज, कावर्डाइस का विपरीत होता है करेज मतलब कि साहस को, ठीक है, सो साहस एकत्रित करा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रूडिशन, रूडिशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट दिखाने की कोशिश करना या बहुत ज्यादा नॉलेज दिखाने की कोशिश करना, तो यहाँ पे उस चीज का भी काम नहीं आएगा, आपके पास में नॉलेज बेशक हो लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो आप जलती हुई बिल्डिंग में नहीं जा सकते, सो ऑप्शन सी करेज इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।